Hey guys, बात कर रहे हैं टश्न इश्क के शो को लेकर। जैसा कि आप लोग को पता होगा, यहाँ पर आपको ट्विंकल और निकुंज की जोड़ी देखने को मिली थी, और साथ ही साथ यहाँ पर लव ट्रायंगल का कैरेक्टर एक तरीके से प्ले कर रहे थे जैन इमाम युवराज का कैरेक्टर। सो यहाँ पर इन तीनों की जोड़ी, जो इन तीनों की बॉन्डिंग रही है वो कमाल की रही है, इन तीनों की जोड़ी कमाल की रही है। और ये लव ट्रायंगल बेस्ड शो था, यही वजह रही कि शो को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जैस्मीन भसीन को पहचान इस शो से घर घर में मिली है। जैस्मीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्विंकल का कैरेक्टर प्ले करती हुई नजर आई थी, तो ट्विंकल के कैरेक्टर से यहाँ पर उनको घर घर में पहचान मिली है। लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और ख़ासकर यहाँ पर सिद्धांत गुप्ता के अपोजिट जैस्मीन भसीन की जोड़ी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। सीज़न 2 को लेकर डिमांड चल रही है, सीज़न 2 को लेकर खबरें भी सामने आ रही हैं। तो क्या एक बार फिर से सीज़न 2 में जैस्मीन भसीन होने वाली हैं? जी नहीं, जैस्मीन भसीन यहाँ पर अगर डेली सुबह के ज़रिए शो आता है तो यहाँ पर नज़र नहीं आने वाली हैं, नए चेहरे देखने को मिलेंगे। पर ये जी टीवी का शो है, तो ऐसे में ये बात बोली जा सकती है कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको देखने को मिल सकता है शो का सीज़न 2। और अगर ऐसा होता है तो जी हाँ, जैस्मीन भसीन एक बार फिर से आपको एज अ ट्विंकल देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जी टीवी के सारे शो रहे हैं उनके सब के सीज़न 2 आपको डेली सोप के ज़रिए नहीं देखने को मिले हैं, बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के ज़रिए रिलीज़ किए गए हैं। और उन सभी शो में वही स्टार कास्ट देखने को मिली है जो कि सीज़न 1 में रही थी। चाहे वो कितने भी बड़े एक्टर क्यों ना बन गए हों, उन्हीं को ही कास्ट किया गया है। अंकिता लोखंडे भी एक बार दोबारा नज़र आई हैं पवित्र रिश्ता शो के सीज़न 2 के अंदर। तो ऐसे में ये बोला जा सकता है कि जैस्मीन भसीन भी नज़र आ सकती हैं अगर ओटीटी के ज़रिए आता है शो का सीज़न 2, और उम्मीद यही है कि शो का सीज़न 2 ओटीटी के ज़रिए ही आपको देखने को मिलेगा। सो इससे बड़ी गुड न्यूज़ तो फिर फैंस के लिए क्या ही होने वाली है। सिद्धांत गुप्ता की बात करें तो इस शो के बाद से ऐसा कुछ खास देखने को कहीं मिले नहीं है, और अगर यहाँ पर उनको दोबारा से कास्ट किया जाता है तो ये जो ट्विंकल और निकुंज की लव स्टोरी रही एक बार फिर से देखने को मिल पाएगी। जैन इमाम की बात करें तो ज़रूर एक बार फिर से जैन इमाम यहाँ पर देखने को मिल पाएंगे नेगेटिव शेड में, जो कि यहाँ पर नज़र आए थे वो। सो कमेंट करके एक्साइटमेंट आप लोग बताइएगा इन तीनों को एक साथ देखने के लिए, कितना एक्साइटेड है। वीडियो अगर अच्छा लग गया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।